नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है डायनामोमीटर और टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर। फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, डायनामोमीटर और डायनो फॉर शॉर्ट, डायनामोमीटर और शॉर्ट में क्या कहेंगे, डायनो। ठीक है, इज अ डिवाइस फॉर साइमल्टेनियसली मेजरिंग टॉर्क एंड रोटेशनल स्पीड। वो क्या एक डिवाइस है, क्या करेगा साइमल्टेनियसली, एक साथ क्या मेजर करेगा, टॉर्क मेजर करेगा। टॉर्क क्या होती है, अ फोर्स कॉजिंग अ मशीनरी टू रोटेट, एक तरह फोर्स जो क्या करेगा मशीनरी को रोटेट करवाएगा। ओके, एंड रोटेशनल स्पीड, और रोटेशनल स्पीड क्या होती है हमारी, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में हमारी जो मशीन है कितना घूम रही है। ठीक है, कितनी रोटेशन हो रही है एक मिनट में। ऑफ एन इंजन, किसी इंजन का, इंजन कहाँ होंगे हमारे, बाइक्स में होंगे, कार्स में होंगे। ठीक है, उसके लिए काम होता है मोटर्स, मोटर होती है हमारी। ठीक है, एंड अदर रोटेटिंग प्राइम मोड, और भी कोई अगर मशीनरी हमारी इसमें रोटेटिंग हमारा कोई वो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब प्राइम मूवर है जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, वो सो दैट इट्स इंस्टेंटेनियस पावर मे बी कैलकुलेटेड। क्या होगा हमारा टॉर्क, रोटेशनल स्पीड मेजर होगी किसकी, इंजन मोटर एंड रोटेटिंग प्राइम मूवर की। सो दैट क्या, ताकि तुरंत ही हम उसकी पावर को कैलकुलेट कर लें, ताकि इंस्टेंटेनियस क्या तुरंत पावर को कैलकुलेट कर लें। एंड यूजली डिस्प्लेड बाय द डायनामोमीटर इटसेल्फ एज kW क्या, किलोवाट। ठीक है, पावर क्या होते हैं, वोट में होते हैं ना, किलोवाट में मेजर कर सके। क्या करेंगे, तुरंत ही पावर को मेजर कर लेंगे, और जो हमारा डायनामोमीटर है वो हमारा उसमें क्या होगी, डिस्प्ले होगी जो हमारी दिखा देगी पावर किलोवाट में। हो गया हमारा डायनामोमीटर क्लियर। ओके, टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर, पावर एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर्स, पहला टाइप के पावर एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर्स मेजर एंड एब्जॉर्ब द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन टू विच दे आर कपल्ड। वो क्या करेंगे, मेजर करेंगे, क्या मापेंगे, एंड मापेंगे मतलब, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब द पावर, वो क्या करेंगे पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, आउटपुट ऑफ द इंजन, किसकी पावर को, इंजन की पावर को, इंजन की जो पावर है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, टू विच दे आर कपल्ड, जो डायनामोमीटर है हमारे जिसमें इंजन से कपल्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे, उसकी पावर को एब्जॉर्ब करेंगे। द पावर एब्जॉर्ब इज डेसिपेटेड एज इज एज हीट, जो पावर हमने एब्जॉर्ब कर लिया हमारे डायनामोमीटर ने, वो क्या होगी, डेसिपेटेड निकलेगी एज क्या, हीट, हीट गर्मी की तरह निकलेगी, उसका आगे यूज होगा, जस्ट मेजर कर लेंगे उससे। ठीक है, अब टाइप होते हैं पावर एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर से, प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर, रोप ब्रेक डायनामोमीटर, एडीकरण डायनामोमीटर, हाइड्रोलिक डायनामोमीटर। ठीक है, क्या पावर एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर के टाइप्स। ओके, अब आते हैं ट्रांसमिशन डायनामोमीटर, जो सेकंड टाइप हमारा। इन दिस डायनामोमीटर द एनर्जी इज यूज्ड फॉर द डूइंग वर्क, तो जो इस ये तरह के डायनामोमीटर है जो हमारे ट्रांसमिशन डायनामोमीटर, उसमें क्या जो एनर्जी होगी ना हमारे इंजन वगैरह की, वो क्या होगी, काम करने के लिए यूज होगी, डूइंग वर्क, कुछ काम करने के लिए। द पावर डेवलप्ड बाय द प्राइम मूवर इज ट्रांसमिटेड, जो पावर डेवलप होगी प्राइम मूवर से, जो रोटेट कर रहा है, फिर कोई इंजन है हमारा, कोई मोटर है, इज ट्रांसमिटेड थ्रू द डायनामोमीटर, वो क्या होगी, ट्रांसमिट होगी डायनामोमीटर से, कहां ट्रांसमिट होगी, टू सम अदर मशीन, कुछ कोई और मशीन है डायनामोमीटर से अलग। डायनामोमीटर क्या है, मीडियम है जहां से वो थ्रो उसके पास होके वो ट्रांसमिट हो रही है मशीन में, वेयर द पावर इज सूटेबली मेजर्ड, हमें मेजर तो पावर ही करनी है, इंजन मोटर या कुछ भी प्राइम मूवर हो, तो जहां पर हम पावर को क्या करें अच्छे से मेजर कर सकें। ठीक है, इसके टाइप क्या क्या, ट्रांसमिशन डायनामोमीटर के हमारे बेल्ट एपिसाइक्लिक, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनामोमीटर, एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनामोमीटर और टॉर्जन डायनामोमीटर। तो ये हमारा डायनामोमीटर का बेसिक था, टाइप से सारा समझ में आ गया होगा। ओके, क्या है इसका बेसिकली काम क्या, जो हमारे इंजन होते हैं, जैसे हमारी गाड़ी होती है, बाइक्स होते हैं, उनकी स्पीड क्या है, हमारी उनकी टॉर्क क्या, उनकी रोटेशनल स्पीड क्या, उसको मेजर करने के लिए डायनामोमीटर का यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए, रेड वाले बटन है, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। पढ़िए और पढ़ाई में दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वैसे मैंने कुछ लिख दिया लेकिन मिल जाएंगे नोट्स आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।